राज्यसभा सांसदंकु वेद पुस्तक देबे सरकार। अध्यक्षंक प्रस्ताव परे केन्द्र शिक्षामंत्रीक सूचना। वेद प्रसार नै धर्मेन्द्रंक उद्यमकु धनखड़क प्रशंसा। केन्द्रमंत्री कहिले वेद शिखिबा समस्तंक अधिकार। राज्यसभारे चालिथिला संस्कृत ओ वेद शिक्षाकु नै प्रश्नकाळ। केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सदस्यंक प्रश्नर उत्तर रखुथिले। एही समयरे राज्यसभा अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देइथिले एक प्रस्ताव। ऑनरेबल मिनिस्टर, इट विल बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू मेक अवेलेबल टू ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अ सेट ऑफ वेदास। अध्यक्षंक प्रस्ताव को ऑन द फ्लोर कार्यकारी करबा पई घोषणा करथिले केन्द्र शिक्षामंत्री। आउ कहिथिले समस्त सांसदंकु सरकार जोगाई देबे वेद पुस्तिका। कुल सर, हम निश्चित रूप में इसके भी आपके आदेश का पालन करेंगे। सारे राज्यसभा के सारे मेंबरों को एक वेद की एक पुस्तिका उपलब्ध कराएंगे। ये आपने अच्छा आज सुझाव दिया है, आपके आदेश को पालन करेंगे। यहाँ भीतरे आउपदे आगो कुजाई केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी टेक्नोलॉजी आधार रे सबु भाषा रे वेद पढ़ीबार सुविधा उपलब्धि कराइबाकु रखिथिले प्रस्ताव। अभी एक टेक्नोलॉजी आई है कि ऐसे तीन किताबें प्रकाशित भी हुए, मैं भी तुकाराम की गाथा और ज्ञानेश्वरी और गीता भी आई है कि पेन पर अगर उसके अंग्रेजी में रखे तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद आएगा, तमिल में रखे तो तमिल में आता है, पेन जहाँ रखे उस भाषा में आता है। तो ओरिजिनल संस्कृत में और फिर सब भाषा में वो ज़्यादा कठिन नहीं है, वो बहुत संभव है। और वो होगा तो जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में वो सुन सकेंगे, वो होगा तो और अच्छा होगा। जेतेबेले अन्यान्य भाषारे वेदर अनुवाद कथा उठिला निजर एक अनुभूति वर्णना करथिले केंद्र शिक्षा मंत्री। मैं आपको अभी सद्य का अनुभूति अगर आपकी अनुमति हो तो वर्णन करूंगा। केरल की कुछ सिस्टर्स के द्वारा, जो चर्च से जुड़े रहते थे, सिस्टर्स के द्वारा एक कॉलेज चलती है त्रिशूर में, उन्होंने अपने स्टॉल पे मेरे को अति आग्रह से लेके गए भारत की गणित शास्त्र के विद्वान माधवाचार्य के बारे में, जो पाम लीफ में लिखी गई उनके कामों को एक टेक्नोलॉजी डेवलप करके आधुनिक पुस्तक तैयार करते हैं। सर, उस माधवाचार्य की जो मैंने दिखा, जो पाम लीफ दिखा, पाम लीफ में आदरणीय तिरुची शिवाजी को, थम्बीदुराई जी को निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पूछा उस बहनों को, नर्स बहनों को पूछा कि आप इसमें किस भाषा में लिखा है और किस लिपि में लिखा है। सर, लिपि था 14वीं सदी में, लिपि था मलयालम। यहा छड़ा सदस्यों का प्रश्न उत्तर रे वेदर प्रचार प्रसार को किपरि मोदी सरकार प्राथमिकता देछंती तार सूचना मध्य देथिले धर्मेंद्र। जो हमारे मूल विद्या की भंडार है वो वेद है। वेद के बारे में उसकी कोई आधुनिक समाज में व्यवस्थित पढ़ाने का, उसको एक परीक्षा करने का व्यवस्था अभी तक नहीं था। हमारी सरकार ने उसके ऊपर एक पहल की है। सरकार की ओर से सारे चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने इसको बोर्ड भी बनाया। इसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था अभी तक आवश्यकता नहीं हुई है, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, समाज के सभी वर्ग संस्कृत भी पढ़ रहे, वेद भी पढ़ेंगे, ये व्यवस्था इस सरकार की प्राथमिकता में है। देश में सर्वमोट 123 टी वेद पाठशाला रही बेले मोट 258 जन शिक्षक रही। सब पाठशाला सर्वमोट 2240 पिला वेद उपरे प्रशिक्षण दि जाऊँगी। आगामी दिन में अधिक पाठशाला निर्माण पर लक्ष्य रखिंट केन्द्र सरकार। भारतीय मूल संस्कृतिर परिचय हो भारतर यह चारि वेद। कोटि कोटि ज्ञानर गंताघर थिबा एही वेद पढ़ी मुनि ऋषि माने धीशक्ति संपन्न होई परुथिले। आउ आजिर आधुनिक समाज रे एहार गुरुत्व को वृद्धि करिबा पई प्रयास आरंभ करिछंती केंद्र सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।